हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान की लोक देवियां। लोक देवियों की एक क्लास हो चुकी है और इसी क्रम में ही ये हमारी दूसरी क्लास है। जो लोग नए जुड़े हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज कृपा करके वो भी वीडियो को और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली माता है उनका नाम है जीन माता। ठीक है, तो हमारी आज की पहली माता कौन सी हो गई? जीन माता। ठीक है, जीन माता के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? तो पहला तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म। जीन माता का जन्म कब कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है धांधू गांव, धांधू धांधू गांव। और ये धांधू गांव कहाँ पड़ता है? तो धांधू गांव पड़ता है चूरू में। ठीक है, दूसरा जो है आपको ध्यान में रखना है कि इनके पिता का नाम, इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था धंधराय चौहान। ठीक है, माता का मूल नाम, जीन माता जो है, इन जीन माता का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? तो इनका मूल नाम या बचपन का नाम था जयंता। ठीक है, एक इनके भाई का भी आप नाम ध्यान रख लेना, इनके भाई का नाम था हर्ष नाथ। ये भी क्या है? तो ये भी लोक देवता है हर्षनाथ। ठीक है, हुआ देखो ऐसा कि शुरू शुरू में जीन माता का नाम क्या था? जयंता था। ठीक है, हर्षनाथ जी की पत्नी और जयंता एक बार तालाब के किनारे जल भरने के लिए, पानी भरने के लिए गई। जयंता और उनकी भाभी में इस बात को लेकर बहस हो गई कि हर्षनाथ जी किसे ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, जयंता बोली कि मेरे भाई मुझे ज्यादा पसंद करते हैं, और इनकी भाभी बोली कि जो मेरे स्वामी है वो मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। तो इन दोनों के बीच में बहस हो गई कि हर्षनाथ जी किसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, जयंता और इनकी भाभी के बीच में, कि भाई हम लोग घर पे जाएंगे और हर्षनाथ जी सबसे पहले जिसके सर की मटकी उतारेंगे वो उसी को ही ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा डिसाइड करा दोनों ने और घर पे पहुंच गई। हर्षनाथ जी ने अपनी पत्नी की जो सर की मटकी है वो पहले उतार ली, तो इससे जयंता जो है वो नाराज हो गई, और ये नाराज होकर कहाँ चली गई? काजल पहाड़ी पर चली गई। ठीक है, रेवासा सीकर में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है काजल पहाड़ी। यहीं पर इनका मंदिर भी है। ठीक है, तो ये कहाँ चली गई? काजल पहाड़ी चली गई। काजल पहाड़ी पे नाराज होकर चली गई और वहां जाकर ये क्या करने लगी? तपस्या करने लगी माता। ठीक है, हर्षनाथ जी को जब ये बात पता चली कि भाई ऐसी ऐसी बात थी और मेरी बहन जो है वो मुझसे नाराज होकर चली गई, तो हर्षनाथ जी जो है वो अपनी बहन को मनाने के लिए काजल पहाड़ी पर पहुंचे। ठीक है, जयंता बाई को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन जयंता बाई जो है वो नहीं मानी। नहीं मानी तो हर्षनाथ जी जो है वो भी, इसके जस्ट पास में एक पहाड़ी है जिसका नाम है हर्षनाथ पहाड़ी, तो हर्षनाथ जी भी एक जस्ट पास वाली पहाड़ी पर जाकर बैठ गए और बैठकर वहां पर ये भी तपस्या करने लगे, भैरव जी की तपस्या करने लगे। समय के साथ साथ दोनों जो है ये लोक देवता और लोक देवियों के रूप में पूजे जाने लगे। तो ये मेन स्टोरी किसकी थी? जीन माता की ये स्टोरी थी। ठीक है, और देखो जीन माता के बारे में और बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है चिरजा। चिरंजा क्या होता है? देखो चिरंजा जो है वो जीन माता के भजन है। ठीक है, जीन माता के जो भजन होते हैं वो सर्वाधिक लंबे होते हैं। तो ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनके भजन सर्वाधिक लंबे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो जीन माता, जीन माता के जो भजन है ये सर्वाधिक लंबे होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? चिरंजा कहा जाता है। और जीन माता के जो भजन होते हैं वो कनफटे नाथ के द्वारा गाए जाते हैं। तो ये दो तीन फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो चिरंजा क्या हो गए? चिरंजा जीन माता के भजन है जो कि सबसे लंबे हैं।
जो कि सबसे लंबे हैं। ठीक है, और देखो बात की जाए तो जीन माता के भजन कौन गाता है, तो जीन माता के जो भजन है, जीन माता के भजन गाने वाला, भजन गाने वाला कौन होता है, तो कन फटे नाथ, कन फटे नाथ के द्वारा जो है वो हर्ष माता है, जो जीन माता है, जीन माता के भजन गाए जाते हैं। किसके द्वारा गाए जाते हैं, कन फटे नाथ के द्वारा गाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, अब ये जो जीन माता का जो मंदिर है, इस जीन माता के मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। ठीक है, यहां पर क्या चढ़ाई जाती है, 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। तो ऐसी कौन सी देवी है जिनको 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है, तो जीन माता, जीन माता को 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। ठीक है, और देखो अगर बात की जाए तो औरंगजेब के समय की बात है, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का बनारस फरमान जारी किया। ठीक है, और उसी बनारस फरमान के तहत जीन माता का मंदिर भी तोड़ा जा रहा था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जब ये लोग औरंगजेब के सैनिक जीन माता का मंदिर तोड़ने के लिए आए, तो वहां पर अचानक से मधुमक्खियों के झुंड ने औरंगजेब की सेना पर हमला कर दिया। औरंगजेब की जो सेना है वो जान बचाकर इधर उधर भाग गई। औरंगजेब को जब ये खबर पता चली तो औरंगजेब स्वयं मंदिर आया और माता के दर्शन किए, और माता के यहां पर उसने 1.5 मन तेल भिजवाने का जो प्रस्ताव है वो दिया। ठीक है, अब जो है आजादी के बाद से जो जीन माता के मंदिर में जो जोत जलती है, उस जोत को जलाने में जो तेल लगता है, उस तेल का खर्चा जो है वो सरकार देती है। पहले कौन देता था तेल का खर्चा, औरंगजेब देता था, अब कौन देने लग गया, सरकार देने लग गया। तो औरंगजेब के आतंक से माता के मंदिर को किसने बताया, मधुमक्खियों ने, इसीलिए इनको मधुमक्खियों वाली देवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो और क्या बात ध्यान रखनी है, और बात ये ध्यान रखनी है कि मधुमक्खियों ने, मधु मक्खियों ने औरंगजेब, मधुमक्खियों ने औरंगजेब के आतंक से मंदिर को बचाया था, अतः इन्हें मधुमक्खियों वाली देवी भी कहते हैं, मधु मक्खियों वाली देवी भी कहते हैं। ठीक है, और देखो क्या बात ध्यान रखनी है, तो और हमें इनके उपनाम ध्यान रखने हैं कि जीन माता के क्या क्या उपनाम है। तो आप लोगों को जीन माता के जो उपनाम है वो ध्यान में रखने हैं। तो जीन माता के देखो क्या क्या उपनाम हो जाएंगे, जीन माता के जो उपनाम है, सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है इनका, मीनाओं की कुल देवी, मीनाओं की कुल देवी। ठीक है, और किसकी कुल देवी है, तो चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी। ठीक है, मधुमक्खियों वाली माता, मधु मक्खियों वाली देवी। और क्या ध्यान रखना है, तो और आपको ध्यान में रखना है इनके अन्य नाम में कि इन्हें शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी भी कहा जाता है। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी। ठीक है, और एक बात ध्यान रख लेना, इनका एक और उपनाम है जो है जयंता देवी की पीठ, जयंता इनका बचपन का नाम था, तो जयंता देवी की पीठ। ठीक है, ये इनके जीन माता के उपनाम हो गए। उपनामों के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे जीन माता का मंदिर। ठीक है,
तो जीन माता का मंदिर कहां पर है, इन्होंने तपस्या करी थी काजल पहाड़ी पर, तो इनका मंदिर है काजल पहाड़ी, काजल पहाड़ी रेवासा सीकर में, ठीक है, इनका मंदिर है जीन माता का। एक बात और ध्यान रख लेना, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो जीन माता मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के समय हुआ है, ठीक है, मोहिल के राजा थे जिनका नाम था हट्टड़, हट्टड़ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, तो इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के समय, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के समय मोहिल के राजा, मोहिल के राजा हट्टड़, हट्टड़ द्वारा इसका क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है, ठीक है। ये मेन मेन बातें हो गई हमारी जीन माता से रिलेटेड, ठीक है। जीन माता के बाद में नेक्स्ट जो माता है जिनकी हम बात करने वाले हैं वो है आई माता, तो नेक्स्ट माता कौन सी हो गई, नेक्स्ट माता हो गई आई माता, आई माता। आई माता की देखो मेन मेन बात क्या हो गई, तो सबसे पहले इनका जन्म, इनका जो जन्म है आई माता का, ये जन्म हुआ है अंबापुर गुजरात में, अंबापुर गुजरात में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। माता के, आई माता के पिता का नाम, इनके पिता का नाम था बीका डाबी, पिता का नाम हो गया बीका डाबी, ठीक है। आई माता का मूल नाम, आई माता का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था, तो जीजी भाई, इनका मूल नाम या बचपन का नाम हो जाएगा जीजी भाई। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है आई माता के गुरु कौन है, ठीक है, तो इनके दो गुरुओं का जिक्र मिलता है, इनके गुरु हैं एक तो बाबा रामदेव और दूसरे हैं रेदास जी, और दूसरे गुरु इनके कौन से हो गए, रेदास जी हो गए। और देखो आई माता के बारे में क्या बातें ध्यान रखनी है, तो दो चार बातें और इनके बारे में हमको ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ये सिरभी समाज की कुल देवी है। आई माता के जो अनुयायी होते हैं उन्हें 11 नियमों का पालन करना होता है, इन 11 नियमों को बैल का नियम कहते हैं, ठीक है, तो बैल का नियम का संबंध किससे है, आई माता से, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यह है सिरभी, यह सिरभी समाज की कुल देवी है, ठीक है। इनके अनुयायियों को, इनके अनुयायियों को 11 नियमों का पालन करना पड़ता है, 11 नियमों का पालन करना पड़ता है जिसे बैल का नियम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बैल का नियम कहते हैं, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेना कि ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि आई माता का जो द्वीप प्रज्वलित होता है उस द्वीप की ज्योति से केसर टपकती है, तो ऐसी कौन सी देवी है जिनके दीपक से केसर टपकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आई माता, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं कि इन देवी की दीपक ज्योति से, इन देवी की दीपक ज्योति से केसर टपकती है, केसर टपकती है, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब बात करेंगे हम इनके मंदिर की, ठीक है, आई माता के मंदिर की। आई माता का मंदिर पड़ता है भीलाड़ा जोधपुर में, तो इनका जो मुख्य मंदिर है, इनका मुख्य मंदिर कहां पड़ेगा, इनका मुख्य मंदिर पड़ेगा भीलाड़ा, कहां पड़ेगा, भीलाड़ा, भीलाड़ा, और भीलाड़ा पड़ता है जोधपुर में, ठीक है।
हाँ, आई माता का जो मंदिर होता है, इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, केवल तस्वीर की पूजा की जाती है। तो ये भी बात आप ध्यान रख लेना कि इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, मूर्ति नहीं होती, केवल तस्वीर की पूजा होती है, केवल तस्वीर की पूजा होती है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो देखो, इनके मंदिर का जो पुजारी होता है, इनके मंदिर के पुजारी को दीवान कहा जाता है। इनके मंदिर के पुजारी को क्या कहा जाता है? दीवान। इनका जो मंदिर होता है, इनके मंदिर को हरगाह कहा जाता है, हरगाह। ठीक है, दरगाह मत कर देना, हरगाह। ठीक है, और इनका जो थान होता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहा जाता है बढ़ेर, बढ़ेर। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो ये मेन मेन बातें हो गई हमारी आई माता से रिलेटेड। आई माता के बाद में नेक्स्ट माता जिनकी हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है बाण माता। तो नेक्स्ट माता हो जाएगी बाण माता। बाण माता, बाण माता की देखो मेन मेन बातें क्या हो जाएगी, तो दो तीन बातें ही ध्यान रखनी है। पहली बात ध्यान रखना, इनका अन्य नाम, इनका अन्य नाम हमें बायण माता देखने को भी मिलता है। इनका अन्य नाम क्या मिलता है? बायण माता। तो बाण माता या बायण माता भी इनको कह दिया जाता है। ठीक है, मेवाड़ का जो सिसोदिया राजवंश है, मेवाड़ में दो वंश हुए, एक तो गुहिल वंश, देखो मेवाड़ में गुहिल वंश है, गुहिल वंश में दो शाखाएं हुई, एक तो रावत शाखा हुई और दूसरी सिसोदा, सिसोदिया शाखा होगी। ठीक है, तो सिसोदिया शाखा जो है उनकी ये कुल देवी है। तो यह है मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी है। ठीक है, और अगर बाण माता के मंदिर की बात की जाए, तो इनका जो मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो बाण माता का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका मंदिर है। तो ये मेन बात किससे रिलेटेड हो गई? बाण माता से रिलेटेड हो गई। बाण माता के बाद में नेक्स्ट माता जिनकी हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी माता। तो नेक्स्ट माता कौन सी आ गई? नेक्स्ट माता आ गई हमारी त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुरा सुंदरी माता। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी माता की देखो मेन मेन बातें क्या हो जाएगी। तो त्रिपुरा सुंदरी माता की सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है, इनका अन्य नाम। इनका अन्य नाम क्या है? तो देखो, त्रिपुरा सुंदरी माता जो है, इन्हें तुरतई माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुरतई, तुरतई माता। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, त्रिपुरा सुंदरी माता या तुरतई माता दोनों एक ही है। ठीक है, बात किया जाए इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, तो त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मुख्य मंदिर है वो पड़ता है तलवाड़ा में। और तलवाड़ा कहाँ पड़ता है? तो तलवाड़ा पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ेगा? बांसवाड़ा में। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ हो गया? तलवाड़ा, बांसवाड़ा में। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो बस एक दो बातें और ध्यान रख लेना। पहली बात आपको इनके बारे में ये ध्यान रखनी है कि यह लोहारों की कुल देवी है, लोहार जाति की कुल देवी है। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो है, ये प्राचीनतम शक्तिपीठ है, राजस्थान का प्राचीनतम देवी का शक्तिपीठ है। यह है प्राचीनतम शक्तिपीठ है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किससे रिलेटेड? त्रिपुरा सुंदरी माता से रिलेटेड। नेक्स्ट जो माता हम पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है सुंदा माता। तो नेक्स्ट माता कौन सी हो जाएगी? सुंदा माता। नेक्स्ट माता हो गई सुंदा माता। सुंदा माता के बारे में देखो क्या ध्यान रखना है, तो दो चार बातें ध्यान रख लेना। पहली बात, इनका मुख्य मंदिर,
इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? तो सुंधा माता का जो मुख्य मंदिर है वो है सुंधा पर्वत, सुंधा पर्वत पर, और सुंधा पर्वत पड़ता है भीनमाल में। ठीक है, अब तो भीनमाल जिला बन गया है, पहले भीनमाल किस में आता था? जालौर में आता था, तो मैं दोनों नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो सुंधा माता का मुख्य मंदिर कहाँ पड़ेगा? सुंधा पर्वत, भीनमाल, जालौर में। इस मंदिर का निर्माता कौन था? तो इस मंदिर का जो निर्माता था वो था चाचिंग देव, चाचिंग देव, चाचिंग देव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो एकमात्र देवी है, एकमात्र देवी है जिनकी धड़ रहित पूजा होती है, एकमात्र देवी है जिनकी धड़ रहित पूजा होती है। ठीक है, यानी कि इनकी जो मूर्ति है उस मूर्ति के धड़ नहीं है, केवल गर्दन, गर्दन की पूजा होती है। जैसे खाटू श्याम जी, हमारे खाटू श्याम जी में भी क्या है? केवल गर्दन है, ठीक है, धड़ नहीं है, केवल गर्दन की पूजा होती है। ये हो गई बात। सुंदा माता के बारे में देखो एक दो बातें और ध्यान रख लेना कि सुंदा माता जो है इस मंदिर में, सुंदा माता मंदिर में 2006 में रोप वे शुरू किया गया था, और ये रोप वे जो था ये राजस्थान का पहला रोप वे था। ठीक है, तो 2006 में यहां रोप वे शुरू किया गया, रोप वे शुरू किया गया जो कि राजस्थान का, जो कि राजस्थान का पहला रोपवे था, पहला रोपवे था। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है सुंदा माता के बारे में? तो देखो यहां पर भालू अभयारण्य भी स्थापित किया गया है, तो ये भी बात ध्यान रख लेना, यहां भालू अभयारण्य, भालू अभयारण्य भी स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये मेन मेन बात हो गई हमारी सुंदा माता से रिलेटेड, नोट कर लो इसको। ठीक है, सुंदा माता के बाद में हम बात करेंगे चामुंडा माता की। तो नेक्स्ट देवी कौन सी आ गई? नेक्स्ट देवी है हमारी चामुंडा माता, तो नेक्स्ट देवी हो जाएंगी चामुंडा माता। चामुंडा माता, देखो चामुंडा माता के अगर मुख्य मंदिर की बात की जाए, इनका मुख्य मंदिर, तो चामुंडा माता का जो मुख्य मंदिर है ये कहां पर है? ये है मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, इस मुख्य मंदिर का निर्माता कौन है? इस मुख्य मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया है राव जोधा ने। ठीक है, निर्माण कौन करवा रहा है? राव जोधा करवा रहा है। अच्छा, इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है या मरम्मत हुआ है? तो इसका जो पुनर्निर्माण या मरम्मत कराने वाला व्यक्ति है वो है तख्त सिंह, तख्त सिंह। ठीक है, तख्त सिंह को 1857 की क्रांति के समय हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मंदिर की बात। अब देखो बात करते हैं चामुंडा माता के बारे में। तो यह है गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी थी, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहारों के बाद में मारवाड़ के अंदर आ गए थे राठौर, तो ये राठौरों की आराध्य देवी है। गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है, राठौरों की आराध्य देवी है। जोधपुर के राठौरों की जो कुल देवी है वो नागणेची माता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगी? गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी हो जाएगी, और राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। ठीक है, और बस एक बात और ध्यान रख लेना कि ये जो चामुंडा माता मंदिर है यहां पर 2008 में भगदड़ मची थी, उस भगदड़ की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था जसराज चोपड़ा समिति, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक
ठीक है। तो यहां पर 2008 में हुई भगदड़ की जांच हेतु, भगदड़ की जांच हेतु जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया, समिति का गठन किया गया, ठीक है। तो ये मेन मेन बातें हो गई हमारी चामुंडा माता से रिलेटेड। चामुंडा माता के बाद में नेक्स्ट जो देवी आ रही हैं, उनका नाम है तुलजा भवानी माता। कौन सी माता? तुलजा भवानी माता। देखो तुलजा भवानी माता के बारे में बस आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह है, शिवाजी की कुल देवी थी, छत्रपति शिवाजी थे ना, यह शिवाजी की कुल देवी है, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इनका मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माता भी ध्यान रख लेना, इस मंदिर का जो निर्माता है वो है दासी पुत्र बनवीर, बनवीर, ठीक है। पन्नाधाय चंदन वाला वही दासी पुत्र बनवीर जो है इसका निर्माता हो गया। तुलजा भवानी के बाद में नेक्स्ट जो माता आपको ध्यान रखनी है, उनका नाम है छींक माता। कौन सी माता? छींक माता। छींक माता के बारे में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इनका मंदिर कहाँ है, ठीक है। एक है छींक माता और एक है छींच माता, छतरी वाला छह भाई ये, ठीक है। छींक माता या छींज माता, देखो छींज माता का जो मंदिर है ये तो है बांसवाड़ा में, ठीक है। और जो छींक माता है, छींक माता का मंदिर है गोपाल जी का रास्ता, गोपाल जी का रास्ता। और गोपाल जी का रास्ता है कहाँ? गोपाल जी का रास्ता है जयपुर में। तो ध्यान रख लेना, देखो एक जैसी लगती है छींक माता और छींज माता। छींक माता है जयपुर में और छींच माता है बांसवाड़ा में। बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ साथ लिखाया है, ठीक है। तो जो इसके बाद में नेक्स्ट हमारी माता आने वाली है, उनका नाम है कंठसेरी माता, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएंगी हमारी कौन सी माता? कंठसेरी माता। हाँ, तो नेक्स्ट माता है कंठसेरी माता, कंठसेरी माता। कंठसेरी माता के बारे में बस दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है, दो ही बातें ध्यान में रखनी है। पहला, इनका मंदिर कहाँ है? तो कंठसेरी माता का जो मंदिर है ये है डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि यह है आदिवासियों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? आदिवासियों की, आदिवासियों की कुल देवी है। नेक्स्ट है जिल्लाणी या जिल्लाड़ी माता, जिल्लाणी या जिल्लाड़ी माता, जिल्लाणी या जिल्लाड़ी माता का बस आपको मंदिर ध्यान रखना है कि इनका मंदिर कहाँ है। तो जिल्लाड़ी या जिल्लाणी माता जो है इनका मंदिर है बहरोड, बहरोड, और बहरोड पड़ता है अलवर में, ठीक है। तो इनका मंदिर कहाँ है? बहरोड अलवर में इनका मंदिर है। जिल्लाणी माता के बाद में नेक्स्ट आपको माता ध्यान रखनी है भद्रकाली माता, भद्रकाली माता, ठीक है। भद्रकाली माता जो है इनके बारे में बस दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, तो इनका मंदिर, भद्रकाली माता का मंदिर कहाँ है? तो भद्रकाली माता का जो मंदिर है वो है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और इस मंदिर का निर्माता कौन है? तो इस मंदिर का निर्माता है बीकानेर का शासक गंगा सिंह। तो इस मंदिर का निर्माता कौन हो गया? गंगा सिंह हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है नकटी माता। कौन सी माता? नकटी, नकटी माता,
नकदी माता भी कह दिया जाता है, वैसे एक्चुअल नाम है नकटी माता। और नकटी माता का बस आपको मंदिर ध्यान रखना है, नकटी माता का जो मंदिर है वो है जयपुर में, भवानीपुरा जयपुर में, भवानीपुरा जयपुर में नकटी माता का मंदिर है। ठीक है, नकटी माता के बाद में उतार लो इसको फटाफट, नकटी माता के बाद में नेक्स्ट जो माता है उनका नाम है आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता, आवरी माता। आवरी माता का मंदिर कहां है? तो आवरी माता का जो मंदिर है वो है निकुंभ, निकुंभ में। और निकुंभ कहां पड़ता है? तो निकुंभ पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। तो इनका मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। एक बात और ध्यान रख लेना आवरी माता की, कि लकवे के इलाज हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लकवे के इलाज हेतु, लकवे के इलाज हेतु प्रसिद्ध। ठीक है, लकवे का इलाज करने के लिए माता प्रसिद्ध है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखनी है, जो नेक्स्ट माता है उनका नाम है अंबिका माता, अंबिका माता। ठीक है, देखो अंबिका माता जो है इनका जो मंदिर है वो है जगत उदयपुर में। इनका मंदिर कहां है? इनका मंदिर है जगत उदयपुर में। ठीक है, मंदिर, अब इनका मंदिर जगत में ना, इसीलिए इनको जगत अंबिका भी कहा जाता है। मेन बात क्या ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात अंबिका माता की, जहां से क्वेश्चन आता है अंबिका माता की, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इनके मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, इनके मंदिर को, इनके मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है घेवर माता, घेवर माता, घेवर, घेवर, घेवर मत करना, घेवर माता। घेवर माता का मंदिर कहां है? तो घेवर माता का जो मंदिर है वो है राजसमंद में, राजसमंद झील के ही किनारे है, तो इनका मंदिर हो गया राजसमंद में। ठीक है, और एक बात और इनकी घेवर माता की ध्यान रख लेना कि पति के बिना ही सती हुई थी। ठीक है, तो मतलब अकेली सती हुई थी, पति इनके साथ में, पति की चिता पर सती नहीं हुई थी, अकेले सती हुई थी। ठीक है, तो बिना पति के, बिना पति के अकेले सती हुई थी, बिना पति के अकेले, बिना पति के अकेले सती हुई थी। ये मेन बात हो गई इनकी, इनकी हमारी घेवर माता की। ठीक है, तो इसी के साथ में आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी की देवियां रह गई है, जैसे माँ आशापुरा रह गई है, ठीक है, नागणी जी माता रह गई है, काफी सारी माताएं रह गई है, तो उनको हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मतलब इसको जो टॉपिक है हमारा देवियों वाला, इसको हम समाप्त कर देंगे। तो होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो भी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। विश्वास रखिए इसके बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग जैसे टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद में आप नेट पर कहीं पर भी, मोबाइल फोन है ना आप लोगों के पास, तो मोबाइल फोन का यूज करो, खाली यूट्यूब या रील देखने के लिए थोड़ी ना। मोबाइल फोन में आप लोग गूगल खोलो, गूगल खोल कर उसमें टाइप करो राजस्थान की देवियां MCQ। ठीक है, और क्वेश्चन मिलाओ आप कहीं से भी रेंडमली, कोई भी ना टेस्ट सीरीज खोल कर वहां से क्वेश्चन मिलाओ, और अपने नोट्स में से देखो कितने क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज में आए हैं। ठीक है, आपको बताता हूँ गारंटी के साथ 90% से ऊपर जो क्वेश्चन है ना वो अपने नोट्स में से मिलेंगे, 100% तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। बुक पढ़ लेना, बुक में भी 100% नहीं मिलेगा आपको, तो 90% क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं।
ठीक है, कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ जाती है 65%, 70%, बस आराम से सिलेक्शन होगा, केवल नोट्स पढ़ के सिलेक्शन होगा, बहुत से बच्चों का हुआ है, ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कहीं से भी पढ़ो, मेरा तो यही कहना है इसी नोट्स को पढ़ लो, बाकी किसी भी चीज़ को पढ़ने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए, ज़्यादा सामान को मत इकट्ठा करो, 10 किताबें पढ़ने कोई मतलब नहीं है, एक किताब को 10 बार पढ़ो, वो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठेगा, ठीक है, तो पढ़ाई करो भाई और सफलता पे ऐसे ही बढ़ते रहो, ठीक है, ओके बाय बाय।